मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय पर जिला सीईओ अभि प्रसाद के सरकारी निवास के सामने सड़क पर खोदे गए नाले की वजह से हाई स्कूल कलेक्ट्रेट कॉलोनी जाने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को खासा परेशानी हो रही है, जहां पर स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। साथ ही अन्य निवासी राहगीरों के लिए भी खुदा हुआ नाला परेशानी बन रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक और प्रदेश सरकार सब पढ़े सब बढ़े का नारा देती है, जब जिला सीईओ निवास के सामने खुदा हो बड़ा नाला, तो ऐसे में छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि कैसे स्कूल चले हम। जब इस मामले की पूरी जानकारी प्रभारी मंत्री हर्ष यादव को दी गई, तो मंत्री यादव ने कहा कि मैं इस पूरे मामले को दिखाता हूँ। सर, कलेक्ट्रेट कॉलोनी हाई स्कूल में जो मुख्य सड़क थी, इसको खोद दिया गया है। अब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बच्चे कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? ये आजू बाजू के जो रोड है उनसे निकल के आ रहे हैं। वैसे सीधे आते थे बच्चे, तो आने जाने में सुविधा रहती थी। अभी जिन रोडों से आते हैं उनमें कीचड़ है। कीचड़ है। कितने बच्चे हैं आपका? लाल साहब साहू, मैं माकनी से आता हूँ। तो मुझे आने में ये स्कूल के पास नाल रोड खोदा गया, उसमें तकलीफ होती है, इसलिए वो रोड पर और कीचड़ भी हो रही है। वहाँ से आता हूँ मैं, तो मेरे को रेस मिले सब गंदी हो जाती, साइकिल लिपट जाती और मैं गिर भी जाता हूँ, मेरे बैग लिपट। आपका? रितिका शर्मा। रितिका जी, ये जो सड़क, आप कहाँ से स्कूल आते हैं? हम मोहनिया केड़ी से आते हैं। तो ये जो सड़क खोद दी गई, आपका कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? हमें यहाँ बड़ा नाला है, उससे आने में दिक्कत पड़ती, तो हम घूम कर आते हैंगे और क्या। अभी ये सड़क खोद दी गई, इससे कितनी परेशानी हो रही है? हमें बहुत परेशानी हो रही है कि घूम कर। किस गांव की जानकारी? रायसेन कलेक्ट्रेट कॉलोनी वार्ड नंबर 4 कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्कूल की है। जो सड़क पिछले 25 सालों से बनी थी, इतने सीओ आके रह गए, किसी ने सड़क नहीं खोदी। आपके इन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ना बच्चों का भविष्य देखा, ना कॉलोनी वालों का देखा, और पूरी सड़क खोद दी। आप जाके देखेंगे मौके पर? बिल्कुल, मैं देखूंगा भी, और यदि कहीं ना कहीं अधिकारी ने गलती की है तो उसके लिए जो है उनको निर्देशित भी किया जाएगा, समझाइश भी दी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था जो है नहीं हो, हमारा प्रयास है कि सरकार हमारी आपकी है, और कहीं ना कहीं यदि अधिकारी ऐसे काम में रोड़ा बनेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की।